खैर बोलने से पहले और बेइज्जत होने से पहले ही हम लोग गाड़ी घुमा लेते हैं। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और सहरी करने के बाद नींद लग नहीं रहा था, तो सोचे हैं कि आज का ब्लॉग इसी वक्त से शुरू करते हैं। तो आज मौसम काफ़ी सुनहरा है क्योंकि कल बारिश हुई थी और बारिश के वजह से जो आप देख सकते हैं चारों तरफ एकदम हरा भरा माहौल दिख रहा है। और ये हमारे गाँव के सुबह का नज़ारा है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये रही अपनी गांव की मस्जिद और ये रोड और ज़मीन पूरा गीला गीला आपको दिख रहा होगा। तो जो भी मेरे दोस्त सुबह में उठ नहीं पाते हैं तो मैं आपको दिखा दूं कि आपका गांव कितना प्यारा दिखता है मॉर्निंग में। आप तो 10-11 बजे सो के उठते हैं, आप देख नहीं पाते हैं, तो इस समय आप देख लीजिए कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और चलते हैं डेली की तरह दुकान खोलने। और आज सुबह सुबह ही धूप हो गया काफ़ी अच्छा, आप देख सकते हैं। और ये अपनी गाड़ी का हाल भी देख सकते हैं आप, कल बारिश के बाद का ये हाल है। चलिए दुकान को करते हैं ओपन। ये हो गया स्विच ऑन और ये सामान जो मैंने कल लिया था वो सारा अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको टाइम नहीं मिल पाया कि हम लोग लगा सकें। तो चलिए अभी इसको भी सही करते हैं, उससे पहले चलते हैं सेटर को उठाने, जो कि ये काफ़ी टफ काम है क्योंकि इसका सेटर जो है वो काफ़ी जाम हो चुका है और टाइम नहीं मिल पा रहा है कि उसको सही किया जाए। खैर जल्द से जल्द उसको ठीक किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ सफाई चल रहा है दुकान का, आप देख सकते हैं। ये हमारे आज के पहले कस्टमर हैं। क्या हो गया इनको? चोट लगा, पाइप से कट गया है। हाँ जी, कहाँ काट ली हो दिखाओ। अरे यार कैसे कटा है ये? पाइप से खेल रहे। तो रो क्यों रही हो? अच्छा चलिए देखते हैं। तो इनका ड्रेसिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो क्यों रो रही थी तुम? दर्द हो रहा था? अब नहीं ना रोगी? चलो मुस्कुराओ। ठीक है जाओ फिर। तो दुकान की साफ सफाई हो गई है, चलिए दिखाते हैं आपको। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा बहुत बाल कटाने और दाढ़ी थोड़ा सा शेविंग कराने, क्योंकि रमजान में मैंने शेविंग कराया नहीं है और काफी बड़ा हो चुका है दाढ़ी। चलिए इसको सेट कराते हैं और चलते हैं। तो हम आ गए रिशु भाई के शॉप पे और ये रहे साहब रिशु भाई। सेट करा के मैं घर आ चुका हूँ और मौसम आप देख ही रहे हैं कितना ठंडा हो गया है और ठंड से मैं बिल्कुल मजाक नहीं करता हूँ। खैर चलिए इसका फिर फायदा उठाते हैं। ये हो गया ऑन और यहाँ से हो गया ये चालू। और अभी हाल ही में मैंने गर्म पानी यूज करना बंद किया था, तब तक फिर ठंडी आ गई है, तो फिर से चलिए गर्म पानी से नहाते हैं। तो अभी मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ और चलते हैं दुकान की तरफ। जोहर का नमाज मैंने घर ही पढ़ा है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया और ये बाबू गाड़ी को ढूंढने में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी गंदी हुई थी। कुछ मदद करे बाबू? नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। तो अभी मैं नहा के आ रहा हूँ और मेरा कपड़ा आप देख सकते हैं पूरा वाइट और पीला है,
अगर मैं गाड़ी धोने में लाऊंगा तो कपड़े का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। और ये देखिए अपनी धन्नो कैसे खड़ी है, और एक ये धन्नो, और एक धन्नो अंदर है अभी। भाई भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं लोग इस टाइम? तो हम लोग अभी जा रहे हैं जो अपने वहाँ डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर गणेश गौड़ सर, तो उन्होंने इफ्तार का एक पार्टी रखा है और वो पार्टी उनके आवास पे है, जो उनका आवास जो है वो कहाँ पे है? हेतिमपुर मार्केट में। हाँ, हेतिमपुर मार्केट, जो कि केवल मैंने ही देखा है। हाँ, वहाँ सिर्फ आप ही गए हैं, हम और हनी अभी वहाँ नहीं गए हैं। तो चलिए चलते हैं और इफ्तारी करते हैं सर के वहाँ। तो अभी हम लोग जैसे गाड़ी में बैठे हैं तो हम लोग से पहले हनी आके आगे बैठ चुका था, और इसके अंदर बहुत एक कीड़ा है आगे बैठने का, जो हम जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो कीड़ा इसको काटने लगता है, तो आज भी वो कीड़ा इसको काटा है और हम लोगों ने इसको पीछे ठेल दिया, और ये अभी हम लोग से नाराज है। हनी हनी और हनी कीड़ा ज्यादा घुस गया क्या? और ये हम लोग से बोल नहीं रहा है इस वक्त। तो सकीम भाई सोच रहा हूँ कि इसको उधर से आते वक्त कहीं सुनसान रास्ता जहाँ होगा वहीं छोड़ दिया जाएगा और इसका पैसा वगैरह छीन लिया जाएगा, वहाँ से ये पैदल आएगा। पैसा है ही नहीं तो छीना होगा। पैसा नहीं है तब तो और अच्छा, पैदल आना फिर सब फोन पे में। और ये बोल रहा है हनी, एयरपोर्ट वाले रास्ता जो है जहाँ सिंपी मार तो वही बता देना, वहाँ पे ऑटो मिलेगा ना आदमी। हाँ बीच में, हाँ एकदम बीच में। और ये पूरा फुला के बैठा हुआ है। अभी हम लोग आए कुशीनगर एयरपोर्ट पे और अभी हम लोग यहीं पर रोक दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप यहाँ से गाड़ी घुमा लीजिए क्योंकि अंदर एंट्री है नहीं। खैर बोलने से पहले और बेइज्जत होने से पहले ही हम लोग गाड़ी घुमा लेते हैं। एयरपोर्ट चालू है नहीं तो स्टाफ क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सफाई भाई बता रहा था, हो सकता है मे बी। तो ये आप जो सामने रोड देख रहे हैं सकीम भाई, ये रोड अगर हम लोग की तरफ होता तो इस रोड को हम लोग सधा देते, फोटो और वीडियो ये सब बना बना के, जैसे कस्या के लोग सधाते हैं इस रोड को। और इस रोड पे आने के बाद लगता है कि हम लोग सऊदी में आ गए हैं, क्योंकि वहाँ की रोड भी कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही क्या लगभग यही है। वहाँ भी आपको ये नारियल का पेड़ मिल जाएगा और ये लाइटिंग वगैरह वहाँ हर जगह मिलती है आपको। ये जो पुल है, इस पुल को मैं जब भी गोरखपुर से आता था बस या फिर बाइक से तो देखता था, ये पुल जो है काफी पुराना और काफी पतला है, ये वन वे पुल है। तो मैं सोचता था कि जरूर इस पुल पे जाऊंगा और अचानक सडनली इस पुल पे मैं आ गया, और आने के बाद मुझे याद आया कि अरे ये तो वही पुल है। आप देख सकते हैं साइड से सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती है यहाँ से। तो बस हम लोग डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल पे लगभग पहुंचने ही वाले हैं। एक चीज डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा किया है कि जगह जगह ये बोर्ड वगैरह लगा दिए हैं, आप इजीली जा सकते हैं बगैर किसी से पूछे। एक बोर्ड देखिए यहाँ भी लगा हुआ है पीएनबी के नाम से। अरे कहाँ गाड़ी इतनी हिल रहा है भाई? बस डॉक्टर साहब के मकान पे हम लोग पहुंच गए हैं, यही व्हाइट वाला बिल्डिंग है और ये बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ। रास्ता थोड़ा डेंजर है यहाँ का, खैर हम लोगों के लिए नहीं, हम लोग एडवेंचर करने वाले हैं। हम लोग डॉक्टर साहब के आवास पे पहुंच चुके हैं, चलिए चलते हैं फिर। गाड़ी चल रहा है आप देख सकते हैं, ये तैयारी हो गई है इफ्तारी के साथ, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। सर आइए आप भी। खजूर खजूर
काफी हो गया, आप देख सकते हैं सकीम भाई जो बीमार आदमी है और ये अच्छा प्रोग्राम किया है गाइस साहब ने। और ये आयुष्मान लैब के हमारे मनोहर भाई हैं और बिरयानी खाने की वजह से ये पूरा खाए नहीं है, देखिए छोड़ दिए प्लेट में। बिरयानी का भी अरेंजमेंट किया है और ये हमारे एमआर साहब है, आप देख सकते हैं कैसे लगे हुए हैं। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा आज का ब्लॉग? अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।